अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए हैंड एंड फीट स्पेशल एंटी टैनिंग मास्क लेकर आई हूँ, जो कि आप अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये होने वाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमें इतना ऐड करना है कि बेसन डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरीके से प्रेस कर करके हमें इसको डिज़ोल्व करना है। मेक श्योर कोई लम्स ना बने। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होने वाले हैं। आप ये देखें, इतना हमें रन ही रखना है, क्योंकि वैसे भी बेसन थोड़ा ड्राई हो जाता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिए। थर्ड इंग्रेडिएंट थोड़ा सा बिल्कुल एक चुटकी से भी कम हल्दी पाउडर। और लास्ट में हम यहाँ पर एक फुल साइज़ का लेमन लेंगे। इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करेंगे। तकरीबन 2 से 3 चमचे मैंने फ्रेश लेमन जूस लिया है। इसमें लेमन जूस थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये एंटी टैनिंग मास्क है। इस एंटी टैनिंग मास्क के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट होने वाले हैं। आप हफ्ते में एक दफ़ा भी यूज़ करेंगे ना, आपकी स्किन की जितनी भी टैनिंग होगी, डार्क स्पॉट्स होंगे, उनको ये लाइट कर देगा। बहुत ज़्यादा इसके विजिबल रिजल्ट हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको टैनिंग है या सम टाइम आपकी स्किन पर थोड़े से ब्लैकिश से जो है धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। जब ये 50% ड्राई हो जाए तो आपने इसको इस तरह रब कर करके रिमूव करना है, अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के। आप चाहें तो इसको फेस पर भी लगा सकते हैं। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कोहनियों पे, घुटनों पे, जहाँ भी आपको टैनिंग फील होती है, आपके नेक पर फाइन लाइंस होती है, उनको भी ये स्किन को टाइटन अप भी करेगा साथ साथ। बहुत ही कमाल का ये जो है वो एंटी टैनिंग मास्क होने वाला है। इसको मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। इस एंटी टैनिंग मास्क को आप अपने फेस पे 15 मिनट के लिए और हाथों पैरों पे 20 से 25 मिनट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, सारी नेचुरल चीज़ें हैं। प्योरली DIY बेस्ड ये एंटी टैनिंग मास्क है। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सीवियर किस्म की टैनिंग है। अदरवाइज आप अगर आपके नॉर्मल है, हल्के फुल्के से निशान आते हैं, तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी यूज़ करेंगे ना, आपको इतनी हाई लेवल की सेटिस्फेक्शन ये देने वाला है ना, ट्रस्ट मी। आप इसको 1 दफ़ा यूज़ करेंगे ना, आई एम श्योर आप दोबारा ज़रूर इसको मास्क को बनाएंगे। बहुत आसान सा है, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल सैलून जैसे पेडिक्योर के होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन कर देगा आपकी, सॉफ्ट कर देगा, 1 टोन लाइटर हो जाएगी। आप यह हाथ देख सकते हैं मेरे कितने ब्राइट हो गए हैं। इसी तरीके से मैं अपने पैरों को भी वॉश कर लेती हूँ। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट न्यू रेमेडी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।